उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता अतीक अहमद और उसके करीबियों पर एक्शन जारी है। सरकार और पुलिस के एक्शन की वजह से ही अतीक के रिश्तेदारों ने भी उससे दूरी बना ली है, जिसका असर अब अतीक के उन पालतू कुत्तों पर भी पड़ने लगा है जिन्हें अतीक ने लाखों रुपए में खरीदा था। दरअसल अतीक अहमद के चकिया आवास में रहने वाले विदेशी नस्ल के 5 कुत्ते पिंजरे में कैद हैं, बल्कि कई दिनों से इन कुत्तों को ना तो खाना मिला है और ना ही पानी, जिसके चलते इन कुत्तों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, बल्कि एक कुत्ते की तो मौत भी हो गई है। बताया जाता है कि भूख प्यास की वजह से ग्रेट डैन नस्ल की फीमेल डॉग ब्रूनो की मौत हो चुकी है। खबर ये भी है कि पुलिस की कार्रवाई के डर से आस पड़ोस के लोग भी कुत्तों की मदद करने से बच रहे हैं, जिसके चलते ही इन कुत्तों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। आपको बता दें, अतीक अहमद को विदेशी नस्ल के कुत्तों का शौक था। एक बार उसने अपने कुत्ते का परिचय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से भी करवाया था। अतीक के आवास पर मुलायम सिंह यादव ने कुत्तों से शेक हैंड भी किया था, जिसकी तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। बताया जाता है कि ये तस्वीर उस समय की है जब बाहुबली अतीक अहमद ने अपनी बहन की शादी की थी। तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव भी खुद अतीक के घर पर आए थे। उसी दौरान बाहुबली अतीक अहमद ने मुलायम सिंह से अपने कुत्ते को मिलाया था। कहा जाता है कि ये कुत्ते अतीक अहमद की रखवाली भी करते थे, लेकिन आज अतीक अहमद और उसके परिवार पर हो रही कार्रवाई के बीच ये बेजुबान दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ऐसे में अब प्रशासन को इस पर संज्ञान लेकर खुद ही इन बेजुबानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इस खबर पर आपकी अपनी क्या राय है वो जरूर बताएं, क्योंकि इसमें इन बेजुबानों की कोई गलती तो नहीं है। आप देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।